क्योंकि उन्होंने कहा है कि बीजेपी कोई एक्चुअली कुछ रूल नहीं है, कोई रेस्पेक्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को लेकर। देखिए, कांग्रेस को ये बोलने का अधिकार नहीं है। जिस नेता का आपने नाम लिया, उसकी दादी ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को इमरजेंसी लगा के रौंद दिया, जिसके पिता दादा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की कभी चिंता ही नहीं की, वो आज चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है। सर, आप एमएलए को भी सर कल अरेस्ट किया गया? हाँ, तो जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। सर, लास्ट वन क्वेश्चन सर, देखते कि सर जो बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ जो एट्रोसिटी हो रही है, इश्कन की 20 को भी अरेस्ट किया गया है, हाल ही में और दो लोगों को भी, इश्कन के दो लोगों को भी अरेस्ट किया गया है, तो वहाँ पर जो हिंदू के खिलाफ एट्रोसिटी हो रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्य रहा देश का बंटवारा जो कांग्रेस ने 47 में किया, उसकी चर्चा करना पड़ेगा। आज पाकिस्तान में अब हिंदू बचे नहीं। अगर उस समय बाबा साहेब अम्बेडकर की बात मान ली गई होती, सारे मुसलमानों को पाकिस्तान जो ज्वाइंट पाकिस्तान था और सारे हिंदू को हिंदुस्तान भेज दिया गया होता, तो आज न पाकिस्तान की चर्चा अब होती नहीं और बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा नहीं होती। आज राहुल गांधी की जुबान बांग्लादेश के हिंदुओं पर नहीं, अब वो 2 तारीख को कहाँ जाएंगे? संबल जाएंगे पॉलिटिकल टूरिज्म करने। भारत सरकार कड़े शब्दों में बांग्लादेश को चेतावनी दी है और वहाँ के हिंदुओं से अपील करता हूँ, एकजुट रहो, एकजुट रहो और भारत के हिंदू उनके पक्ष में खड़े। संबल इंसिडेंट को लेकर आपने कहा है कि राहुल गांधी वहाँ पर जाएंगे, तो अब हो गया। क्या कांग्रेस इस पर सर कोई? कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, प्रो इस्लाम उनको वोट दिखता है मुसलमानों के साथ, इसीलिए वो संभल जा रहे हैं। और किसी ऐसे हिंदुओं के ऊपर अगर होता है तो वहाँ इनकी जुबान नहीं खुलती। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।